प्रवासियों मजदूर के आने में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार आना का निकलिया है वापिस लाने में, लड़का के वापिस लाने में। किरानी नहीं तो गाइडलाइन पढ़ रहे थे, गाइडलाइन पढ़ता। सरकार का कर्तव्य है कि अपनी जनता की सुरक्षा, उनको सहूलियत हम किसी कीमत पर करेंगे, सारा कानून उसके मुताबिक बना दें। आ कहा से केंद्र गाइडलाइन बना दे और दूसरा प्रदेश मंगा रहा है। त्राही त्राही वहाँ भूख हड़ताल अनशन है, त्राही त्राही है, लोग पैदल चल दिया गया। प्रवासियों के चलते फैल रहा है, फिर प्रवासी को उधर तबलीगी जमात के आरोपित किया और प्रवासी के आरोपित कर रहा है। बाहर तुम छोड़ दिया रहने को, उनको संक्रमित होने दिया, अब बाद में अब उसको वापिस आवेगा तो संक्रमण आएगा ही, और उसको फिर बदनाम करने का काम गरीब आदमी बेचारा, उसकी पीड़ा वर्णन नहीं की जा सकती। 4-5 करोड़ प्रवासी मजदूर अपना बाल बच्चा के लिए, पेट के लिए, अपना घर छोड़ करके बाहर में मेहनत पसीना बहाने का काम, मजदूरी का काम करते हैं। जब निराश्रित हो गए, जब कुछ दिनों तक उन्होंने वेट भी किया है, लेकिन जब भूखमरी की स्थिति हो गई, ठेकेदार काम बंद कर दिया, मजदूरी बंद हो गई, कारखाना बंद हो गया, घर भाड़ा मुश्किल हो गया, उधार मिलना बंद हो गया, अब बाल बच्चा सहित जो वहाँ पर है मरने को जब तैयार हुआ, से भाई कोई उपाय नहीं तो यहाँ भूखमरी से अच्छा चलो, कोरोना से मर जाओ से अच्छा, पैदल चल दिया। लाखों करोड़ों लोग पैदल चले हैं, उसमें दूसरे तो पिछा कर मर गया, रेल लाइन से कट गया, हाईवा से पिछा गया, सब देश भर में सब हिसाब लगभग, रेल ट्रेन में 80 से ज़्यादा लोग, आरपीएफ की रिपोर्ट है उसका है 200 और इधर 80, और रास्ते में भूखे पिया से, कोई टेम्पू से, कोई रिक्शा से, कोई भगवानपुर का बंगलोर से ठेले पर अपना परिवार के लाद कर ले आया, चला आया ठेले से, ठेला चलाता था उसी, माने जो हाईवे के बगल में जिनका घर है वो साक्ष्य हैं। सैकड़ों लोग गठरी मोठरी माथे पर लेकर के चल रहे हैं, भूखे प्यासे रास्ते में मर गए, कितना लोग कहीं कोई ट्रक से, कोई किसी हिसाब से चल रहे हैं। एगो 1,00,000 रुपया में ट्रक भर करके आया, एगो 60,000 देकर एगो गार्ड साहब के ट्रेन में, मालगाड़ी के ट्रेन में चढ़ गया। इस सब एक उदाहरण देता हूँ, लेकिन लाखों करोड़ों इस तरह की घटनाएँ देश में हुई है जो पीड़ा का वर्णन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी लिप सिंपैथी कहा है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जो करोड़ों मजदूरों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ देश में, और वो मजबूर हुए पैदल चलने को और बाल बच्चा के लेकर के और मरने को भूखे प्यासे, कौन इसके लिए जवाबदेह है, और आपने क्या इंजाम किया था, क्या सोचा था? और इधर से ये नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, नहीं नहीं हम वापस नहीं लावेंगे, वापस नहीं लावेंगे। अब कहते हैं हम पैसा बांट रहे हैं, अब ये सब लोग वोट लड़ रहे हैं कि कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं, खाता में बल हम पैसा भेज रहे हैं। प्रवासी लौटने को क्वारंटाइन, अब क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं है, तो अब कहता है से होम क्वारंटाइन में जाइए, घरे जाइए, पूछ पूछ लेता है क्या है, बुखार है, तबीयत खराब है, गला दुखाता है, नहीं खांसी होती है, तो उसके बाद उसे बंद होगा। अब कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहां पर मारा पीटी कहा सुनी धक्का धुकी उत्पात नहीं हुआ, न कहीं खाने का है, न कोनो बिछौना है, उन्हें से वो कर दिया, उन्हें से वो ला रहा है, कनों भी ले गया। आई कहे हैं कि उन्हें सुनते थे 2400, आई सुनते हैं कि 20,00,000 करोड़ का पैकेज दिया, वो जुमला पैकेज है। 20,00,000 करोड़ में 2,50,000 करोड़ छोड़ करके बाकी बजटीय उपबंध है, ऋण है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और कहा गया से 20,00,000 करोड़ सब हिसाब जोड़कर 20,00,000 करोड़। इनका वित्त मंत्री धारावाहिक 5 दिनों तक सबका व्याख्यान करते रहे, मैंने जनता को बरगलाने का काम, अच्छी ट्रिक और चालाकी से कोई देश नहीं चला करता, ये चलाकी से देश को बरगलाने का काम, 20,00,000 करोड़ दिया, इसलिए 20,00,000 करोड़ से कोई इसका समाधान नहीं होने वाला है, भूखमरी होनी है। तो इसी के लिए ये खास बात पर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहा कि GDP का 10% हम दिया है पैकेज, GDP का 1.5% पैकेज होगा, करीब असल हिसाब जोड़ा गया है तो 1,84,000 करोड़ ही
पैकेज है, बाकी सब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऋण और बजटीय उपबंध सबके जोड़ जार करके लोगों को प्रगलाया गया। फिर शुरू में हर एक चीज के यहाँ तक सांप्रदायिकता से लोग जोड़ते हैं, कहा गया कि तबलीगी वाला लोग फैला दिया आप महामारी के, देश भर में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। हम सवाल उठाते हैं कि 14-15 मार्च को तबलीगी मरकज की बैठक दिल्ली में थी, उसको इजाजत किसने दी? गृह मंत्रालय को उसमें बर्खास्त गृह मंत्री को क्यों नहीं होना चाहिए? उसी तारीख को 14-15 के बिहार राजगीर में राष्ट्रीय का सम्मेलन था, राजद का सम्मेलन उसी तारीख को स्थगित हुआ, लेकिन तबलीगी जमात को कैसे आपने इजाजत दे दी बैठक करने की? अब बैठक करने के बाद फिर उसमें के जो लोग निकले उसको जांच किए बिना छोड़ दिया, देश भर में प्रचारित किया गया से तबलीगी वाले लोग फैला दिए। एक कम्युनलाइज करना या महामारी को भी, देश को बरगलाना, देश को धोखा देना, जनता का। गांव में मैं रहता हूँ, एक मुस्लिम तरकारी बेचना चाहता, भरा भरा उसको तरकारी बेचने से कोई खरीद नहीं रहा, इतना घृणा का भाव जनता में फैला दिया। देश मजबूत हो सकता कभी इस तरह से घृणा का भाव फैले बिना कारण के, बिना मतलब के? बिहार शरीफ में भी तबलीगी की बैठक हुई है 14-15 की, किसने इजाजत दी? कौन इसका हुक्म देने वाला है, अलाउ करने वाला? क्यों नहीं आपने उसका वीजा कैंसिल किया, क्यों नहीं स्थगित किया? राष्ट्र हम फतुहा से लौट कर आए, 13 तारीख की शाम में हम टोल प्लाजा फतुहा पार कर गए थे, फोन आया कि स्थगित हो गया कोरोना के चलते राजगीर सम्मेलन, हम लौट करके आए। आई तबलीगी वाला के बैठक हो गई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के करेजा पर, और फिर अजीत डोभाल वहाँ गए कि नहीं, परामर्श किए कि नहीं, और बैठने की इजाजत दी गई कि नहीं बैठक करने की? कह दिया गया कि तबलीगी वाले ने किया, तबलीगी वाले ने किया कि गृह मंत्रालय ने किया, फैलाया